तो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो भाई ईद मुबारक हो आप सबको, भैया ईद मुबारक हो। और हम लोग अभी भाई चल रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, और ये देखो भाई गाड़ी चला रहे हैं। तो भाई अभी हम लोग चल रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, और ये देखो भाई, और इधर मामू सब लोग। हाँ भैया ईद मुबारक बोल दो। ईद मुबारक, ईद मुबारक भाई, ईद मुबारक। हाँ ईद मुबारक हो भैया, ईद मुबारक। तो भाई भाई हम लोग अभी चल रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ते स्ट्रेट फॉरवर्ड अभी जा रहे हैं 28 नंबर, ये जो है यूटर्न वाली जो मस्जिद है भाई ईदगाह पे। अभी हम चल रहे हैं यहाँ ईदगाह पे नमाज पढ़ते हैं, देखते हैं भाई सब बिछौना उछौना साथ में ले लिया है, क्योंकि वहाँ जगह मिलती नहीं है, पता है बिछाने के लिए भाई बड़ी दिक्कत होती है। तो पहले ही सारा सिस्टम हम लोग करके चल रहे हैं, और अभी चलते हैं इंशाल्लाह, देखते हैं वहाँ पे क्या सिस्टम है, अभी जगह खाली है या नहीं। क्योंकि टाइम हो गया है 5:06 हो रहा है, अभी हम लोग यहाँ चल रहे भाई 5:06 हो चुका है ऑलमोस्ट। कितने भाई नमाज है, चालीस पे। तो अभी चल के देखते हैं भाई कितने बजे की नमाज है क्या है, पहले अपना वहाँ पे चल के सेट करते हैं हिसाब किताब, यूटर्न लेना है यहाँ से। तो भाई हम लोग आ चुके हैं अपनी लोकेशन पे, यहाँ पे सामने देखो इधर ईदगाह है, वो वहाँ पे पीछे ईदगाह। अभी चलते हैं, पहले गाड़ी देखते हैं पार्किंग लगाने के लिए जगह, उसके बाद फिर चलते सीधा चलना पेट्रोल पंप के आगे से राइट लेना है, पेट्रोल पंप के आगे से राइट लेना है, यहाँ से नहीं लेना, क्योंकि यहाँ भाई ये रहा ईदगाह। और इधर तो मुश्किल है पार्किंग पुर्किंग मिली, तो अभी हम पीछे चलेंगे, पीछे मस्जिद के पास पार्किंग लगा के आएंगे आराम से तसल्ली से, फिर चलते हैं ईदगाह, फिर आपको दिखाते हैं भाई वहाँ का नज़ारा। भाई अभी हम लोग चल रहे हैं भाई ईदगाह में नमाज पढ़ने, और बाकी ये पार्किंग भैया इधर मिल गई पीछे पार्किंग, और भाई ये गाड़ी लगा के कहाँ गए कैमरे, ये रहे हाँ कैमरे कैमरे में नज़र नहीं आ रहा भाई कोई। तो चलते हैं हम लोग भाई नमाज पढ़ने, अभी जगह वहाँ पहले चल के देखते जगह मिलती है कि नहीं मिलती है, क्योंकि सबसे मेन है जगह की, कि पहले ही आधा घंटा पहले ही वहाँ पे हाउसफुल हो जाता है। बाकी मामू मामू आगे निकल चुके हैं। हाँ सर, आज चेहरे पर देखो रौनक कितनी है। ईदगाह में भाई हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ की भाई भीड़ चेक करो आप, देख लो भाई अभी जगह मिलनी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये देखो बाकी इधर तो भाई पूरी जगह कवर हो गई है। और अभी हम देखते हैं इधर पीछे के साइड में भाई जगह पूरी खाली है, तो अभी चलते हैं उधर देखते हैं। बाकी देखो भाई कितनी पब्लिक है, माशाल्लाह भाई साहब कितनी कितनी पब्लिक है यहाँ पे, बहुत देख रहे हो वहाँ से वहाँ तक। ये 28 नंबर वाला जो ईदगाह है ना भाई, ये वहाँ का ईदगाह है। बाकी चलते हैं पहले देखते हैं बैठने के लिए जगह। यहाँ पे नमाज हो चुकी है, और अभी हम लोग भाई खुतबा हो रहा है अभी बैठे हुए, और ये देखो मामू इधर आ मामू, और हमारे उबैद उस्ताद कहाँ के नावेद उस्ताद, ये रहे भाई। और भीड़ बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही भीड़ है भाई, बैठने के लिए जगह नहीं मिली तो बड़ी मुश्किल से मिली है। जब तक पहुँचे भाई जमात खड़ी हो गई थी, और बैठे अभी कहाँ पे भाई दिखा देते हैं, और जमात खड़ी हो गई थी भाई, लेकिन कोई नहीं बड़ी मुश्किल से भाई जगह मिल चुकी है। और अभी हम लोगों ने नमाज़ पढ़ ली है भाई, खुतबा भी सुन के फिर निकलते हैं। बाकी आधी पब्लिक तो तुरंत ही निकल जाती है भाई, जहाँ नमाज ख़त्म वहाँ तुरंत 1-2-3 हो जाते हैं बंदे, फोटो शूट होने लगता है। हमें भाई यहाँ पे जगह मिली थी, ये देख लो ये गिट्टी है ना, ये देखो पन्नी पे बैठे हुए हैं, सीधो कहो सुपरा हम लोग रूम से ले आए थे। ये देखो मामू भी यहाँ सुपरा बैठे हुए हैं। बाकी भाई जिनके पास जा नमाज ज़्यादा लोग आए, तो हम लोग भाई जगह नहीं मिली ना एंड में, तो किनारे। बाकी यहाँ पे आप पब्लिक देख लो, भीड़ देख लो भाई साहब, ये देखो पूरा यहाँ, ये देखो भाई। तो अभी यहाँ से गेट से निकल रहे हैं, बाकी अभी तो खुतबा हो रहा है, लोग निकल जाते हैं, आधे ज़्यादा निकल जाते हैं, लेकिन हम अभी निकलेंगे जब पूरा भाई इधर खाली हो जाएगा ना इधर, उसके बाद। बाकी ये दो लोग इधर बैठे हैं, बाकी हम तीन लोग इधर बैठे हैं, बाकी इधर देख लो भाई पूरा नज़ारा भाई, ये देखो ईदगाह का देख लो भाई पूरा पीछे तक, कहाँ तक पूरी पब्लिक ही पब्लिक थी, अभी देखो पूरा खाली हो गया है, आधे ज़्यादा लोग खाली चले गए हैं। बाकी ये देखो यहाँ पे भाई फोटो शूट चल रहा है, फोटो शूट तो यहाँ पे चारों तरफ लाजिमी है भाई, फोटो शूट होना लाजिमी है यहाँ पे। बाकी अभी फिर हम निकलते हैं। तो भाई अभी हम लोग आ गए हैं नमाज पढ़ के, अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, और रात को जो हमने मेहनत करी थी बिरयानी, वो भाई ऐसा लुक आया है बिरयानी का। और ये रहा भाई अपना सलाद, बाकी देख लो भाई अपनी गैंग, अपने पार्टी सारी बैठी हुई है इधर। रहे मामू, मामू को आज पेट में दर्द हो रहा है, आज मामू कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं। हाँ अभी कैसी मामू तबीयत, ठीक है? और बाकी बिरयानी देख लो भाई अभी अपनी निकल रही, बाकी कोल्ड ड्रिंक आ गई है इधर, और अभी टेस्ट करते हैं भाई बिरयानी। रात में बहुत मेहनत करी है, 2 बजे से लगे थे, 4 बजे तक, रात को 4:30 तक बिरयानी हमने बनाई है। फिर खाना खाते भाई बहुत तेज लगे, पूरी रात जगे भाई, सोए नहीं है, और अभी खाना खा के नींद मारेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। बाकी बिरयानी खुशबू भाई बहुत ही जानदार, क्या बात है,
ये रही अपनी बिरयानी आ चुकी है भाई, और चलते हैं बिस्मिल्लाह करते हैं भाई। अभी भाई मैं नेस्टो आया हुआ हूँ, रात का टाइम है और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ भाई खरगोश का कोस। ये देखो भाई खरगोश, अपना इंडिया वाला देसी खरगोश यहाँ पे, और मगज भी है, दिमाग भी। खरगोश का कोस भाई देखो 31 रुपये के जी है, 31 रियाल सॉरी। और इधर बत्तख का कोस है और इधर बीफ लीवर है, बाकी जो सबसे मेन है भाई वो खरगोश। देख लो भाई नेस्टो में फ्रेश एकदम ताज़ा खरगोश, अपने इंडिया में नहीं मिलता लेकिन यहाँ मिलता है भाई साहब। तो खरगोश खाने वाले जो है ना वहाँ, इनके लिए टेंशन नहीं है। यहाँ पे देख लो, और फ्रेश बत्तख जो है देख लो, डक का जो है 36 का है भाई। और भाई नेक्स्टो में ना अभी देख लो, यहाँ पे ना इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है भाई। यहाँ पे भी हम लोग आए हैं, रात का टाइम था, मैंने कहा चलो घूम के आते हैं, लेकिन यहाँ भाई देख लो खाना खाने वाले की ना फुल भीड़ चल रही है। और चलते हैं अभी हम भी, देखते हैं यहाँ सामान वामान लेने आए हैं, देखते हैं भाई खाने में क्या क्या है यहाँ पे। ये देख लिया मैंने भाई, स्पाइसी आइटम जलेबी। हाँ बिरयानी ख़त्म है, मटन बिरयानी है लेकिन भाई ख़त्म हो गई है, 16 रियाल 16.5 रियाल की। और आगे अभी देखते हैं इधर नेस्टो में हमें अचानक से देखो एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ भाई दिखी है, और ये है मिलिट्री जो है ना, अपनी मिलिट्री कार है। मिलिट्री की कार देखो यहाँ पे बना रखी नेस्टो वालों ने, और यहाँ पे देखो फैशन वाले सारे रखे हुए हैं। बाकी इधर कुछ प्रोग्राम वगैरह था तो वहाँ चलता है। बाकी ये एक विंटेज गाड़ी पुरानी, और इसको मॉडिफाई करके आए। हाँ ये फोर्ड की मेरे ख्याल ब्रोंको है, कौन सी है फोर्ड। हाँ तो ऐसी भाई कोई गाड़ी है, लेकिन देखने में लुक अच्छा आ रहा है भाई। देखो गाड़ी का क्या जबरदस्त भाई। ये नेस्टो में ना आजकल एक से एक चीज़ें, नेस्टो और लुलू में एक से एक चीज़ें हो रही हैं। अभी भाई हम नेस्टो से ना थार थक के आके यहाँ पे चेयर पे बैठे हुए हैं। बाकी भाई मामू आमू तो अभी अंदर ही हैं, शॉपिंग कर रहे हैं भाई। इतनी भीड़ है नेस्टो में, इतनी भीड़ है ना, देख लो भैया चप्पल उप्पल कुछ नहीं, किसी को लेना देना भाई कुछ नहीं। इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है भाई साहब, हालत ख़राब हो गई। आज के दिन अलहरम वगैरह सारा बंद है भाई, जो पारम प्लाजा वगैरह कुछ थे, नेस्टो ये सब खुले हुए हैं। तो भाई जितने भाई अपने हिंदी भाई बंधु हैं ना, सारे भाई आजकल नेस्टो मदीना में भाई छाए पड़े हैं। और तो मेरे ख्याल से और कोई किसी में नहीं जाएगा। सऊदी वोदी भाई सारे अपनी इंडिया, ऐसा लग रहा है भाई से हम इंडियन मॉल में घूम रहे हूँ। आज मॉल की भाई कंडीशन ऐसी नेस्टो की, खासकर नेस्टो की, और बिल्कुल भाई बेहतरीन इसको सजा रखा है गुब्बारे से, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई पूरा बहुत ही बेहतरीन तरीके से भाई नेस्टो को ना सजा रखा है। और ये देखो भाई, ये नेस्टो की मार्केट है, पब्लिक भाई इंतज़ार कर रही है। यहाँ चल चल के लोग थक गए, हालत ख़राब हो गई है भाई। हमारे बंदे, हाँ हमारे बंदर भाई, हमारे बंदर कह रहे हो, हमारे बंदे अभी अंदर हैं। बाकी किसी को भाई बैठने के लिए यहाँ जगह नहीं है, तो बड़ी मुश्किल से देखो भाई धोनी भाई जा रहे हैं, इनका अलग ही रौला है। तो कुल मिला के अभी भाई देखते हैं हमारी पार्टी कितने बजे तक निकलती। बाकी नेस्टो का हाल देख लो भाई, अंदर बहुत भीड़ है।